ये है एक ऐसा मंदिर जो उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाती हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या के रूप में दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला के तरह नजर आती है। ये नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती हैं। इस माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी भी माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था और साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई। वह धारो गांव के पास एक चट्टान से टकरा कर रुक गई। कहते हैं उस मूर्ति से एक ईश्वरी आवाज निकली जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में माँ धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहते हैं माँ धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आ गई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था। उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आई थी। बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया।